हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कालू भैया हांसी वाले घर में वापस आ चुके हैं और उन्होंने अपनी पुरानी वाली लाइफ जीना शुरू कर दिया है, यानी कि जो रिहैब में जाने से पहले उनकी जो ज़िंदगी हुआ करती थी उन्हीं पुराने लोगों के साथ घूमना, वही ज़िंदगी उनकी दोबारा से शुरू हो गई है। और इसी बीच में आप लोगों को बता दूं कि कालू भैया को देखा गया पंकज जानवी मेहता के व्लॉग्स में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। 2-3 दिन पहले ही पंकज मेहता का व्लॉग आया है, जहां पे देखा गया कि उनके व्लॉग में कालू भैया भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि व्लॉग की शुरुआत से लेकर व्लॉग के एंड तक कालू भैया उस व्लॉग में हैं। इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंकज कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोमल ठकराल के एक्स हस्बैंड पंकज मेहता की यहाँ पर बात हो रही है। कालू भैया पंकज से मिलने गए और इसी दौरान पंकज ने उनके साथ एक व्लॉग बनाया। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस व्लॉग के दौरान पंकज और कालू भैया अपने न्यू चैनल का प्रमोशन करते हुए दिखे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और अगर आपको लग रहा है कि कालू भैया का अलग चैनल आएगा और पंकज का अलग चैनल आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको बता दूँ कि पंकज और कालू भैया का एक साथ नया चैनल आने वाला है। इस व्लॉग के दौरान कालू भैया अपने और पंकज के नए चैनल का प्रमोशन करते हुए दिखे। साथ में कालू भैया ने ये भी कहा कि हम दोनों भाइयों का एक नया चैनल आने वाला है, जहां पे आप लोगों को अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग जगह दिखाई जाएगी। इस व्लॉग में कालू भैया को देखकर लगा, उनके बोलने के तरीके को, उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को, यानी कि सरोज और अरमान को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम दोनों के अलावा भी मेरा इस दुनिया में कोई है, मेरी कोई चिंता करता है और मैं तुम्हारे बिना भी अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। क्योंकि जब से कालू भैया हांसी वापस आए हैं तो सरोज ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया है और ये कह दिया है कि अगर कालू को कुछ हो गया तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वहीं दूसरी ओर अरमान ने कालू भैया का साथ छोड़ दिया है। अब क्या कारण रहा उसके बारे में तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ना तो इसके बारे में कुलदीप ने कुछ बताया है और ना ही इसके बारे में अरमान ने कुछ बताया है। कमेंट सेक्शन में भी कालू भैया के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो अरमान के बिना कुछ नहीं है, वो सरोज के बिना कुछ नहीं है। तो इस तरीके के कमेंट्स देखने के बाद आई थिंक जो कालू भैया हैं उनको भी ये लगा होगा कि मुझे भी दिखाना चाहिए इन लोगों को कि मैं इनके बिना भी कुछ हूँ, और शायद इसी वजह से वो पंकज से मिलने गए, उसके ब्लॉग में गए। कालू भैया का पंकज से मिलना ये ऑलरेडी प्लान्ड था, क्योंकि इन्होंने चैनल के बारे में ऑलरेडी सोचा हुआ था कि ये दोनों साथ में मिलकर एक चैनल खोलेंगे, और उसका प्रमोशन भी इन्होंने इस वीडियो में किया। इस व्लॉग में लोगों ने पंकज को अलर्ट करना शुरू कर दिया है कि तुम सतर्क हो जाओ और कुलदीप और उसकी फैमिली से दूर रहो, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आप लोग ये कमेंट देख सकते हैं, इस नशेड़ी को अपनी बच्ची से दूर रखना, इनका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, इसके साथ आप भी ट्रोल हो जाओगे। कालू भैया के साथ मत बनवाओ प्लीज़ चैनल, भैया को घर जाने दो, नशे में है कालू, घर तोड़ लिया अपना पर शर्म नहीं आई इसको। जो बंदा अपनी वाइफ अपने बच्चों का नहीं हुआ वो नशेड़ी किसी का क्या होगा। अपने दम पे आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, इसे और व्लॉग में नहीं लेना, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। पंकज भाई आप हीरो हो और ज़ीरो आदमी के साथ व्लॉगिंग मत करो, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसने अभी भी पी हुई है, इसकी हरकतें देखो, आपकी बहुत इज्जत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस इंसान की कोई इज्जत नहीं है। क्यों अपना व्लॉग ख़राब करते हो, होपलेस, इस नशेड़ी से बचकर रहना। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी लोग पंकज को ये एडवाइस दे रहे हैं, उसे सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कुलदीप से दूर रहना, इसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी भी बेइज्जती करवा देगा। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि इस नशेड़ी से दूर रहो और अपनी बेटी को इससे बचा कर रखो, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ में लोगों ने यह भी कहा कि जो कुलदीप है वो इस व्लॉग के दौरान नशे में है और वो नशे में ये सारी बातें कर रहा है। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ने जो देखा है वो वही कह रही है। कुलदीप का जो बैकग्राउंड है, कालू भैया का जो बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, और अभी भी वो दोबारा से अपनी पहले वाली ज़िंदगी में ही वापस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ दोबारा से हैंग आउट कर रहे हैं जिनके साथ वो पहले किया करते थे। बहुत लोगों ने बहुत बार कालू भैया को ये समझाने की कोशिश भी की है कि आप ये नशा वगैरह छोड़ दो, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, लेकिन कालू भैया जो हैं वो बार बार उन्हीं हरकतों पर वापस आ जाते हैं।
लेकिन इस बार जब से कालू भैया हंसी वापस आए हैं तो ये देखा गया है कि वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो सरोज के पास दोबारा वापस जाना चाहते हैं, अपनी शादी को एक चांस देना चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ वापस नहीं जाएंगे और यहाँ पर बेशक वो मजदूरी करके कमा लें। कालू भैया अरमान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उनका ये कहना है कि अरमान को नशे वाली बात लोगों के आगे डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी कि उनका भाई नशे करता है और उसे रिहैब में भेजा गया है। उनका ये कहना है कि मेरी एक बेटी भी है, कल को मुझे उसकी शादी भी करनी है, तो मेरी लड़के वालों के आगे या दूसरी फैमिली के आगे मेरी क्या इमेज रह जाएगी कि उसका बाप जो है वो नशे करता है। अब देखो यहाँ पे मेन गलती तो कालू भैया की ही है। अगर उनको अपनी इमेज की इतनी ही ज़्यादा पड़ी है कि उनकी इमेज क्या रह जाएगी, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी, तो फिर वो नशे क्यों करते हैं। और अभी भी टाइम है, वो ये सारी चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा से उन्हीं चीज़ों में वापस जा रहे हैं। अब ऐसे में अरमान और सरोज भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सरोज ने भी कहा है कि वो कालू के साथ रहना चाहती है, वो दोबारा से अपनी शादी को मौका देना चाहती है, वो चाहती है कि कालू अपने बच्चों के पास वापस आए और अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझे। लेकिन जब भी उम्मीद दिखती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कालू भैया भी नॉर्मल हो रहे हैं, तो दोबारा से कुछ ना कुछ हो जाता है और दोबारा से वही सिचुएशन वापस आ जाती है। कालू भैया जब चंडीगढ़ में रहते हैं या जब वो रिहैब में रहते हैं, तो उसके आने के कुछ टाइम तक तो वो सही रहते हैं, और इस बार ये देखा गया कि वो चंडीगढ़ में बिल्कुल सही थे, काम वगैरह भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से कालू भैया जो है वो हांसी वापस आ गए और दोबारा से उन्हीं चीज़ों में पड़ गए हैं। अब अरमान की तरफ से इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, सो लेट्स सी कि अरमान की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आएगा। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अरमान और कालू भैया के बीच में पक्का कोई ना कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अरमान ने भी कालू भैया का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक अरमान ही कालू भैया की जिम्मेदारी लिए हुए था, उसे संभाल रहा था। लेकिन अचानक से अगर अरमान ने कालू भैया को छोड़ दिया है, तो सच में उसके पीछे कोई ना कोई बात रही होगी। वहीं दूसरी ओर सरोज ने भी कालू भैया से अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये कह दिया है कि बाय चांस अगर कालू को कुछ हो गया, तो इसकी ज़िम्मेदार वो नहीं है, उसको ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए, इसका ज़िम्मेदार होगा सिर्फ़ और सिर्फ अरमान। सो लेट्स सी कि आगे चलकर क्या होगा एंड अरमान की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आएगा। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।